नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं पूजा रघुवंशी और आज आपके लिए लेकर आई हूं अमृता प्रीतम जी की कहानी वह आदमी। उम्मीद करती हूं आप सबको पसंद आएगी। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। 20 बरस तक उसे एक ही सपना आता रहा। जिस दफ्तर में वो नौकरी करता था उसका मालिक खुश था कि वो दफ्तर के सारे डायल पर घड़ी की सुई की तरह घूमता था। उसे किसी काम को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी घड़ी को चाबी देने की जरूरत नहीं थी। उसका मालिक कभी कभी सोचता था, घड़ी तो कभी कभी रुक जाती है, सिर्फ वक्त नहीं रुकता। वो जिंदगी के वक्त की तरह था। वो दफ्तर की चार दीवारी में से निकलता और सीधा घर की चार दीवारी में दाखिल हो जाता। उसकी बीवी खुश थी। छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों तक वो जो चाहती उससे मांग सकती थी। वो कभी मना नहीं करता था। घर में कुछ भी गिरता, टूटता, खोता, वो कभी माथे पर बल नहीं डालता था। चार चार दीवारों के दो पर कोटे थे, जिनमें दफ्तर का मालिक दिन की तरह चढ़ता था और घर की बीवी रात की तरह पड़ती थी, सिर्फ अज्ञात रोग की तरह। उसे एक बात पता थी कि ये सब कुछ एक पराया सपना था और पूरे 20 बरसों तक उसे ये पराया सपना आता रहा। सिर्फ जो तेवर उसके माथे पर नहीं पड़े थे, वे उसके अंतस में पड़ गए थे। वे उसके ही दिल पर पड़ गए थे और दिल एक तेवर के कसे हुए मांस की तरह हो गया था। उसे लगता वो पराई नींद सोता था और पराई जाग जागता था। फिर एक हादसा हो गया। उसकी बीवी को छोटे से ऑपरेशन की जरूरत थी। अच्छी भली अस्पताल गई पर जिंदा वापस नहीं आई और उसकी जिंदगी का एक परकोटे टूट गया भगवान के हाथों से। पर दूसरा बाकी था। उसे उसने दूसरे दिन भगवान की रीस में अपने हाथों से तोड़ दिया, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इस तरह एक बार की चार चार दीवारों के दोनों परकोटे टूट गए। उसे बीवी की मौत पर अफसोस था, पर इस तरह जैसे एक नरम दिल वाले इंसान को पड़ोसी के घर हुई मौत पर अफसोस होता है या अखबार में किसी दूर पास के व्यक्ति की मौत की खबर पढ़कर होता है। पल भर के लिए आदमी का मुंह भी उतर जाता है, मन भी, पर फिर आदमी अपने काम धंधे में लग जाता है। वो भी अपने काम धंधे में लग गया। उसका सबसे पहला काम था कि घर में उसको जो भी चीज फालतू लगती उसे वह आधी चौथाई कीमत पर बेचकर जगह खाली कर रहा था। रेडियोग्राम उसके लिए सबसे फालतू चीज थी, निरा शोर। उसने सबसे पहले उससे छुटकारा पाया। कुकिंग रेंज ने भी यूं ही जगह घेर रखी थी। उसे तो कुछ पकाने के लिए सिर्फ आग की एक लपट चाहिए थी और आग की लपट के लिए दो एक ईंटें बहुत थी। फ्रिज ने यही पसारा किया हुआ था। उसे 2 जून की ताजा रोटी में से कुछ भी पचाकर रखने की जरूरत नहीं थी। महंगे स्टील के बर्तन तो बिल्कुल फिजूल थे। एक हांडी, एक तवा और एक आध प्लेट प्याला या एक आध कोई और बर्तन बहुत था। वॉशिंग मशीन एकदम निकम्मी चीज थी। वो अपना कमीज कुर्ता रोज अपने हाथों से धो सकता था। महंगी कुर्सियां और मेज तो उसे बिल्कुल नहीं चाहिए थे। लकड़ी के 1-2 मूढ़े उसके लिए काफी थे। बिजली, पानी, टेलीफोन, हाउस टैक्स और इनकम टैक्स के बिल अदा कर दिए थे। अब उसने फैसला किया कि ये सब आखिरी बिल थे। अब वो इनकी अदायगी के लिए किसी कतार में खड़ा नहीं होगा।
उसे सिर्फ खाली जगह चाहिए थी, अपने बैठने के लिए, अपने खड़े होने के लिए, अपने सोने के लिए, अपने जागने के लिए। चीजों ने जगह खाली कर दी, पर ये काफी नहीं था। उसके चारों तरफ पक्की ईंटों की दीवारें थी और ये उसके अस्तित्व को चुभ रही थी। उसे याद आया जब कभी शुरू शुरू में वो अपनी बीवी से अपने सपनों की बातें किया करता था, तो उसकी बीवी को अपने चारों ओर धूल उड़ती सी लगती थी। उसे पता था कि उसका सपना शहर की और सभ्यता की पक्की सड़कों पर चलने वाला नहीं था, वो कच्ची निर्जन राह मांगता था, और उसकी बीवी को कच्ची निर्जन राह की बात कभी समझ में नहीं आती थी। वो बीवी की मौत के बाद और नौकरी के इस्तीफे के बाद जब जी भरकर सोया, तो उसे लगा वो अपनी नींद सोया था और अपनी जाग जागा था। सो जल्दी ही अगले दिनों में उसने पक्की सड़कों से हिसाब किताब चुका कर एक पहाड़ी गांव की कच्ची राह पकड़ ली। थोड़ी सी जमीन खरीदी, उस पर घास और मिट्टी की एक झोपड़ी इस तरह बनाई जैसे आदमी अपने गले में कमीज कुर्ता पहनता है, या सर्दी और पाले से बचाव के लिए कोई चादर या लोई लपेटता है। ये झोपड़ी उसके बदन को चुभती नहीं थी, उसके अस्तित्व के लिए दूर परे तक जमीन भी खुली हुई थी, आसमान भी खुला हुआ था, और दूर जहां तक नजर जाती थी, खेतों से परे, नदी से परे, छोटी बड़ी पहाड़ियों से भी आगे उसे अपना अस्तित्व दिखता था। उसके हाथ पैर थकना चाहते थे, पर मन नहीं थकना चाहता था। अब वो जब अपनी छोटी छोटी क्यारियों को गोड़ता और बीजता, उसे एक रहस्य सा खुलता लगता। जब हाथ पैर नहीं थकते, तब मन थक जाता है। मैं 20 वर्षों का थका हुआ था, अब मेरे हाथ पैर थकने लगे हैं, तो मेरे 20 वर्षों की थकावट उतरने लगी है। आवाजें अब भी दूर और पास उसके गिर्द थी, पेड़ों के पत्तों की शां शां, घास की सरर सरर, पास की नदी के पानी की कलकल, उसकी एक बकरी की मैं मैं, उसकी 3 मुर्गियों की कुड़कुड़, और शुरू जाड़ों में दूर पहाड़ी पगडंडियों पर से उतरते गद्दी गीतों की आवाज, और शुरू गर्मियों में उन्हीं पगडंडियों पर से पहाड़ों पर उतरते चढ़ते गीतों की आवाज। पर ये आवाजें उसे अपने दिल की धक धक की तरह लगती, या अपनी बाह में टक टक करती नब्ज की तरह। और इनकी जगह जब कभी उसे अपने दफ्तर के मालिक के, या घर की बीवी के, रोटी के, चाय के, या शराब के समागम याद आ जाते, तो वो घबराकर अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेता, और अब वह अपनी आंखों से अपना सपना देख रहा था, जो नित्य नया था। इनमें कहीं से उड़कर आ बैठते पंछी थे, पेड़ों की शाखाओं पर उगते पत्ते थे, मक्की के सीटों के उभरते दाने थे, याद के पौधों पर फूटती पत्तियां थी। 7 बरस गुजर गए शांत और निर्विघ्न। एक दिन दिन ढले वो गुड़ और शहद से रोटी खाकर चूल्हे की आग के पास बैठा, दिए की रोशनी में रोज की तरह एक किताब पढ़ रहा था कि झोपड़ी के दरवाजे की जगह अड़ाए हुए लकड़ी के तख्ते पर खड़का हुआ। वो किताब से सिर उठाकर कुछ देर तख्ते को ऐसे ताकता रहा जैसे वो उसकी झोपड़ी का तख्ता नहीं, किसी और के घर का दरवाजा हो, भला उसके पास कौन आता। फिर वो खड़ा हुआ, साथ ही तख्ते की झिर्रियों में से गुजरती हुई कुछ आवाजें भी आई जो उसने पहचानी नहीं। उसने उठकर दरवाजे के तख्ते को हाथ से उठाया, परे किया,
सामने एक जवान सा लड़का खड़ा हुआ था, जिसने झिझकते हुए कहा, आप केपी मदान कंवर साहब? उसने बरसों बाद अपना नाम सुना, जिसको उसने इस कच्ची राह पर आते हुए परे पक्की सड़क पर ही छोड़ दिया था। पर पूछने वाले को जवाब तो देना ही था, इसलिए दिया, हाँ। मैं अंदर आ जाऊं? उसने दरवाजे से परे होकर आने वाले के गुजरने के लिए जगह छोड़ दी। आने वाले के हाथ में एक पुराना पर बड़ा सा सूटकेस था। आने वाले ने सूटकेस को अंदर रखते हुए उसके बोझ से हल्का होते हुए चूल्हे की आग की ओर देखा, फिर उसके मुंह की ओर ताकता कहने लगा, मैं इंदर हूं, आपका छोटा भाई। इंदर? उसे एक एक पुरानी सुनी हुई आधी याद और आधी भूली हुई कहानी के पात्र की तरह एक नाम याद आया और कुछ पहचान सी भी। उन दिनों जब उसका बाप जिंदा था तो अपनी सौतेली माँ के इस बेटे को देखा था। तब ये मुश्किल से स्कूल जाने लायक बड़ा था। तख्ते को फिर पहली जगह रखते हुए और ऊंचे मुढ़े जितने लकड़ी के ठूंठ को चूल्हे के पास रखते हुए उसने इंदर से बैठने के लिए कहा, फिर कुछ पूछने के लिए उसकी तरफ देखा, पर बाप जिंदा नहीं था जिसके बारे में कुछ पूछ सकता था, और सौतेली माँ ने मुद्दत से उससे नाता तोड़ रखा था, इसलिए पूछने लायक कुछ भी नहीं था। इंदर खुद ही कहने लगा, मैंने शहर से आपके पुराने दफ्तर से आपका कुछ पता लगाया, फिर गाड़ी से उतरकर रास्ते में पड़ने वाले गांवों में भी पूछता रहा। उसके जी में आया कि वो कहे किस लिए, पर किसी घर आए को ऐसे कहना उसे ठीक नहीं लगा। इसकी जगह उसने कहा, कुछ खाओगे, रोटी चाय? इंदर ने जल्दी से कहा, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। उसने एक मिट्टी के घड़े में रखा हुआ आटा मुट्ठियों से निकालकर एक थाली में गूंथा, फिर चूल्हे पर तवा रख दिया। चूल्हे में कुछ नई लकड़ियां डालकर उसने कुछ रोटियां सेकी, फिर थाली में गुड़ और शहद रखकर उसे रोटी दे दी। ख्याल आया, सुबह उसने अपने लिए दो अंडे उबाले थे पर खाना भूल गया था, वे अभी आले में पड़े हुए थे। उसने वे अंडे भी छीले और चूल्हे पर चाय का पानी रख दिया। इंदर को शायद बहुत भूख लगी थी, ये सादी रूखी सूखी रोटी वो जल्दी जल्दी खा रहा था। इंदर को ऐसे रोटी खाते देखकर उसे कुछ अच्छा लगा, पर साथ ही उसका ध्यान उसके सूटकेस की ओर गया, तो उसे ख्याल आया कि ये अब रात को यहीं रहेगा, और उसके लिए अपने बिछोने से जरा परे एक बिछोना बिछाते हुए उसे समूची झोपड़ी अजीब सी लगने लगी। गरम चाय के घूंट भरता हुआ इंदर ऊंघ रहा था, फिर वो चुपचाप चाय का खाली प्याला एक ओर रखकर अपने बिछोने पर जाकर सो गया। वो कुछ देर तक उसके मुंह की तरफ ताकता रहा, फिर चूल्हे की लकड़ियां पीछे खींचता हुआ खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। सुबह चूल्हे पर दलिया पकाने को रखकर वो जब बकरी का दूध दुहने लगा तब सोचने लगा, बस अब चाय पानी पिलाकर विदा कर दूंगा, वैसे तो शायद वो खुद ही। और दूध की लोटियां उठाते हुए उसे ख्याल आया, कह रहा था शहर में दफ्तर से तुम्हारा पता पूछा, फिर गाड़ी से उतरकर रास्ते में आने वाले गांव में भी पूछता रहा, जो ऐसे पूछते पूछते आया है, पता नहीं किस लिए आया है, कितने समय के लिए आया है। दूध की लुटिया लाते हुए उसने देखा इंदर सोकर उठा है, झोपड़ी के बाहर आया है, दूर पहाड़ की ओट में से उगते हुए सूरज को देखकर बहुत खुश होकर हैरान सा खड़ा हुआ है। उसका गुस्सा कुछ कम हुआ।
कहीं पानी की आवाज आ रही है। पास ही कहीं कोई नदी बहती है, इंद्र ने पूछा। और हाथ के इशारे से जवाब मिलने पर कि सामने इन पेड़ों के पीछे, वो एक हिरन की तरह चौकड़ी भरता हुआ पेड़ों की तरफ बढ़ गया। उसने दलिया पकाकर गुड़ और दूध डालकर हांडी चूल्हे के पास रख दी और चूल्हे पर चाय का पानी रखकर चश्मे से पानी का घड़ा भरने के लिए चला गया। वो पानी का घड़ा लेकर लौट रहा था कि नदी से नहाकर आते हुए इंद्र ने उसे दूर से ही देखा और तेज कदमों से चलकर रास्ते में ही पानी का घड़ा उठा लिया। रात शायद इस लड़के को लंबे सफर की थकान थी, शायद भाई नाम के सुने सुनाए आदमी से इस तरह आकर मिलने की घबराहट थी, या वैसे ही शायद रात अंधेरे में यूं लगता था। अब उसके आगे दलिया का प्याला और चाय का गिलास रखते हुए उसे लगा रात को ये कुछ और ही तरह का शहर का बिगड़ैल सा लग रहा था, पर अब नदी से नहा धोकर आया है तो अच्छा भला, अच्छी शक्ल सूरत का दिख रहा है, शायद मन का बुरा नहीं है। और चूल्हे के पास बैठकर धीरे धीरे चाय पीते हुए 20 बरसों से भी ज्यादा बीते समय के कुछ टुकड़े स्मृति पट पर हिलते से लगे। बाप हमेशा अपने व्यापार में व्यस्त, हमेशा बढ़ते या गिरते भाव की बातें करता, हमेशा किसी जल्दी में कहीं जा रहा होता, और माँ हमेशा शीशे के आगे खड़ी कंघी करती या बाजार नए कपड़े खरीदने के लिए जा रही होती। उसे छुटपन में ही हॉस्टल में भेज दिया गया था और कितनी देर बाद पता लगा कि घर में माँ नाम की जो औरत थी वो उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ उसके जन्म के बाद ही मर गई थी। स्कूल कॉलेज की छुट्टियों में देखे हुए घर की कुछ परछाइयां सी उसकी आंखों में हिली, पर वो आंखें झपकाकर इंद्र की तरफ देखता, उसके नक्शों में किसी याद को खोज ना पाया। तू यहां क्यों आया है, कुछ ऐसी ही बात पूछनी थी, पर इंद्र इस समय नहा खाकर एक तृप्त बिल्ली की तरह चूहे के पास अलसाया सा बैठा हुआ था। उससे कुछ भी ना पूछा गया, बल्कि चूल्हे की धीमी आंच पर दाल की हंडिया रखते हुए उसने कहा, चने की दाल खा लोगे ना, और साथ ही कहा, तुम्हारा जी करता हो तो सामने की पहाड़ी पर घूम आना, मैं जरा मटर की क्यारी देख आऊं, कोई दाना पड़ गया हो तो 2-4 तोड़ लाऊं। वो उठकर बाहर की क्यारी की तरफ चला तो देखा इंद्र उसके पीछे पीछे उसके साथ चला आ रहा था। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। एक बार वह पीछे अमरूदों के पेड़ के पास खड़ा हुआ सा लगा, पर फिर लंबे लंबे डग भरते हुए वहां उसके पास आ गया जहां फलियों को टटोल कर वो पके हुए मटर तोड़ रहा था। अपने कितने एक खेत हैं, उसे दूर परे देखते हुए इंद्र की आवाज सुनाई दी तो उसने परती पहाड़ियों पर देखते हुए जवाब दिया, जहां तक नजर जाती है सब कुछ अपना है, यहां का झरना भी, नदी भी, ये सारा जंगल भी। इंद्र जंगली फूलों की तरह हंसने लगा। आसपास कोई बोया या जुता हुआ खेत दिखाई नहीं दे रहा था, कहने लगा, ये जंगल तो जंगलात के महकमे का होगा। मटर की पोटली सी बांधते हुए वह क्यारी के पास से उठ बैठा और जंगल की तरफ देखकर कहने लगा, उनका क्या है, वर्दियां पहनकर बरस में एक बार आते हैं, पेड़ों पर नंबर से लिख जाते हैं और चले जाते हैं, ये सब कुछ मेरा ही रहता है या जंगली जानवरों का। और वो खुद भी जंगली फूलों की तरह हंसने लगा। इधर अनार और अमरूदों के पेड़ों के नीचे उसने मिट्टी का एक थड़ा सा अपने बैठने के लिए बनाया हुआ था। उस थड़े के पास आकर वे दोनों खड़े हो गए। एक तरफ कुछ ढलान पर मक्की की एक छोटी सी क्यारी थी। इंद्र उसकी ओर देखकर पूछने लगा, अपनी है?
उसने मिट्टी की थड़ी पर बैठते हुए हाँ में सिर हिलाया। बस इतनी एक, हम और भी तो बो सकते हैं। उसने एक बार गौर से इंदर के मुंह की ओर ताका, फिर कहने लगा, किस लिए? फिर फालतू को मंडी में ले जाकर बेचनी पड़ेगी। मक्की भी मैंने अपने लिए बो रखी है, चाय के 2-4 पौधे भी अपने लिए, साग सब्जी भी अपने लिए। और इंदर का अभी कहा हुआ वाक्य अपने कानों में अटकता सा लगा, हम और भी तो बो सकते हैं। और उसने अपने कानों को मला, जैसे हम शब्द को कान के मैल की तरह बाहर निकाल रहा हो। इंदर ने उसके पास उसके थड़े पर बैठते हुए बड़ी नम्रता से कहा, मुझे यहां अपने पास रख लो। वो थड़े पर से उठने को हुआ, पर फिर संभलता हुआ बैठ गया। इंदर सिर को कुछ नीचा सा करके कहने लगा, मां बहुत दिनों से बीमार थी, उसने तमाम रुपया मामा के पास रखा हुआ था। उसे याद आया, ये उड़ती हुई सी बात उसने सुनी थी कि बाप का सारा पैसा मां अपने भाइयों के पास रखा करती थी कि उसके पीछे उसका सौतेला बेटा कुछ ले ना सके। उसे हंसी सी आई, इंदर से पूछा, फिर? फिर मामा ने कुछ नहीं दिया, मां पिछले महीने मर गई। इंदर का मुंह उतरा हुआ था, सिर झुका हुआ था, आवाज बुझी हुई थी, कह रहा था, मेरे पास और कोई जगह रहने को नहीं है। वो घबराकर थड़े पर से खड़ा हो गया। उसने जोर से चीख कर कहना चाहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पर उसकी आवाज उसके गले में ऐसे खो गई जैसे पहाड़ी मोड़ पर खो जाती है। वो बेबस सा इधर अपनी बांह के पास आकर खड़े हुए इंदर की ओर देख रहा था, और इंदर कह रहा था, कमर भैया, मेरा और कोई नहीं है। उसने हाथ से इंदर को बांह से परे करना चाहा, पर हैरान होकर देखा, उसका हाथ इंदर के कंधे के पास जाकर कंधे पर टिक गया था, जैसे वो हाथ की हथेली से उसको सहारा भी दे रहा था और आसरा भी। सामने एक भोला सा मुंह था, कोमल सा, और शायद मामा लोगों की दगा से घबराकर सारी सभ्यता से भागा हुआ। उसने हाथ से उसके कंधे को सहलाया, कहा, अच्छा तू इस मक्की की क्यारी के पास अपनी कुटरिया बना ले। लड़का मक्की के दाने की तरह खिलता सा लगा। उसने खुद उसके साथ मिलकर गारा बनवाया, नीचे के गांव से छत के लिए पत्थर की सलेटे ढुलवाई, और उसके कहने पर उसका मन रखने के लिए गांव के बढ़ई से चौखट और दरवाजा भी बनवा लिया। वैसे वो मन में सोच रहा था कि ये शहर के बीज शहर में ही उगते हैं, पढ़ा लिखा है, मर्द है, खुद ही 2-4 महीने में उबकर शहर चला जाएगा। उसकी खरीदी हुई जमीन की हदबंदी सिर्फ कागजों में थी, उसने कोई बाड़ बांध नहीं लगाया हुआ था। जमीन काफी थी, पर उसने कभी जोती बोई नहीं थी। इंदर ने उससे पूछकर काफी सारी जमीन को क्यारियों में बांट दिया, फिर नीचे के गांव से कुछ कमेरे बुलाकर उनकी जुताई बिजाई करवा दी। इंदर बीच बीच में शहर चला जाता था, और उसके जाने के बाद वो हर बार सोचता था कि इस बार शायद उसको कोई नौकरी मिल जाएगी और वो शहर में ही रह जाएगा। उसका ये सोचना सिर्फ उसकी तमन्ना थी जो हर बार पूरी नहीं होती थी। और इंदर 5वें-7वें दिन या 10वें दिन फिर लौट आता था। अब कभी कभी इंदर को शहर से चिट्ठी भी आती थी, पर पता नहीं किसकी, उसने कभी पूछा नहीं था। पर डाकिये का ऐसे अचानक सिर पर आकर खड़े हो जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन इसी तरह एक चिट्ठी आई, उसके सामने इंदर ने खोली, पढ़ी, और उसका मुंह मटमैला सा होता गया। उसके अनुमान से ये ऐसी चिट्ठी थी,
इंद्र के किसी दोस्त मित्र की लिखी हुई, जिसमें इंद्र को नौकरी की आस टूटती सी लगी थी। इंद्र की जुती बोई हुई क्यारियां अब कमर तक उसरा आई थी, पर इंद्र चिट्ठी को हाथ में पकड़कर क्यारियों की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी बैल या डंगर ने उन क्यारियों को रौंद दिया हो। वो पेड़ की एक टहनी में हाथ डालकर और हाथ की किताब को हाथ में ही बंद करके इंद्र के मुंह की ओर ताक रहा था। इंद्र ने डरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी बांह के पास खड़े होकर बांह को धीमे से थाम कर बोला, कंवर भैया, उस लड़की का खत आया है। और उसकी आवाज बाहर होने की बजाय उसके गले में अंदर उतर गई। उसने बांह को झटके से छुड़ाकर पूछना चाहा कि कौन सी लड़की, किस लड़की का, पर उससे ना बांह हिलाई गई ना जीभ। कहती है उसका बाप उसे भी जान से मार देगा और मुझे भी। क्यों? उसके मुंह से मुश्किल से निकला। इंद्र की आवाज लड़खड़ाई सी थी। वो बीमार है। नहीं, बीमार नहीं, डॉक्टर ने बताया है उसे बच्चा। सुनकर उसके माथे पर एक तेवर पड़ गया। तपी हुई सी आवाज में पूछने लगा, तेरा बच्चा है? इंद्र ने शर्मिंदा सा होकर सिर झुका लिया। उसने उसी तपी हुई आवाज में पूछा, और वो क्या कहती है? ब्याह? इंद्र के मुंह से सिर्फ इतना सा कहा गया। वो पल भर कच्चे अनारों की टहनी पर आ बैठी चिड़िया को देखता रहा, फिर हंस पड़ा, बोला, जाओ शहर जाकर जैसे वो कहती है उसके साथ ब्याह कर लो। इंद्र का मुंह अनार के फूलों की तरह खिल उठा। उसने मुंह से कुछ ना कहा, पर अपनी सलेटों वाली छत की ओर ऐसे चल पड़ा जैसे अभी जल्दी से ब्याह का कुछ कामकाज करना हो। वो खुद अपनी झोपड़ी में आया। ना चाहते हुए भी उसने छत की कड़ियों के बीच रखी हुई एक पोटली को खोला और उसमें से कुछ नोट निकालकर अपनी कमीज की जेब में रख लिए। शहर जाते हुए इंद्र को उसने धीरे से वे नोट पकड़ा दिए और कहा, तुझे जरूरत पड़ेगी। फिर दो एक फरलांग उसके साथ स्टेशन की ओर जाती पगडंडी पर चलता रहा और फिर अचानक खड़ा होकर पीछे अपनी राह की ओर ताकते हुए कहने लगा, तुम पढ़े लिखे हो, शहर में कोई नौकरी ढूंढ लेना। और वो पीछे तेज कदमों से ऐसे लौट पड़ा जैसे उसका जंगल आज खाली होकर उसका इंतजार कर रहा हो। वो और उसका एकाकीपन एक दूसरे को कसकर गले मिले। जंगल की सारी हवा फिर उसकी अपनी हो गई। अब पेड़ों के पत्ते सिर्फ उसकी आंखों के लिए झूमते थे। नदी का पानी अब सिर्फ उसके लिए बहता था। अब दिन सिर्फ उसके लिए चढ़ता था और रात सिर्फ उसी के लिए होती थी। पर 8 दिन गुजरे थे। वही दिन ढलने का वक्त था। वो चूल्हे की आग के पास बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था कि दरवाजे की जगह अटकाया हुआ लकड़ी का तख्ता खड़क उठा। उसने सहमकर तख्ते को परे किया। सामने इंद्र हंसता सा खड़ा हुआ था। वो अभी हैरान सा उसके मुंह की ओर ताक ही रहा था कि उसके पीछे खड़ी एक लड़की ने आगे होकर झोपड़ी की दहलीज में आकर उसके पैरों को छुआ और पैरों की ओर सिर झुकाए ऐसे खड़ी रही जैसे उससे आशीर्वाद मांग रही हो। पल भर की सुन्न सी खामोशी के बाद उसने लड़की के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, आओ आओ अंदर आओ। सुबह की दाल पड़ी हुई थी। उसने जब चूल्हे पर तवा रखा तो लड़की ने आगे होकर चकला बेलन पकड़ लिए और चूल्हे के पास बैठकर रोटियां पकाने लगी। लड़की के हाथ में कांच की चूड़ियां थी। वो जब रोटी बेलती चूड़ियां खनकती थी। इंद्र भी रोटी खा रहा था और वो भी।
पर उसका ध्यान सिर्फ चूड़ियों की खनक की ओर था, जो दूर तक पसरी हुई पेड़ों की शाएं शाएं में बिल्कुल अलग लग रही थी। अलग भी, अजनबी भी, और कानों को खटकती हुई भी। दूसरे दिन सलेटों की छत वाली कुटरिया के पास एक नई कुटरिया बन रही थी उन दोनों की रसोई के लिए, और नीचे के गांव से दो नई खटिया आ रही थी, नए लिहाफ, गद्दे भी और कुछ नए बर्तन भी। गांव से टूटा हुआ सा जमीन का ये टुकड़ा जैसे गांव का हिस्सा बन रहा था। गांव से कमेरे, बढ़ई, राजमजदूर रोज आते जाते थे। एक बहंगी वाला नदी से पानी के कनस्तर भरकर लाने लगा था, और खड्डे के पार दिखती सामने की पहाड़ी तक, जहां तक नजर पक्षियों की तरह उड़कर जाती थी, वहां जब एक बड़ा सा छप्पर डलने लगा तो वो ऐसे तड़प उठा जैसे उसके जिस्म से उसके पंख नीचे जा रहे हों। इंदर ने नम्रता से कहा, आप कहते थे ना कि मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई काम करूं, सो मैंने सोचा यहां बच्चों का स्कूल खोल लूं। नीचे के किसी गांव में कोई स्कूल नहीं है, बस 8 आने या रुपया महीने की फीस रख लूंगा, इतने पैसे तो हर कोई। उसके दोनों कानों में जैसे फुंसियां हो गई हों। और अगले महीने इंदर कह रहा था, सुना है स्टेशन के पास के गांव में परसों एक मिनिस्टर आ रहा है, आप बुजुर्ग हैं, आप उससे जाकर कहें कि हमें हमारी जमीन तक सड़क पक्की करवा दे, और साथ ही यहां बिजली दिलवा दें, स्टेशन तक तो बिजली आई हुई है ही। उसके कानों में ऐसे टीस होने लगी जैसे कानों की फुंसियों में पीप पड़ गई हो। और अगले महीने 2 दिन के लिए इंदर शहर गया। वापस आते हुए वो दूर परे से ही सुनाई दे रहा था। उसके हाथ के ट्रांजिस्टर की आवाज अगले पहाड़ से भी टकरा रही थी, और उसने पिछले गांव के कितने ही लड़के लड़कियों को अपने पीछे लगा रखा था। और इंदर पास आते हुए हंसते हंसते कह रहा था, देखो कमर भैया, यहां कोई अखबार वखबार तो आते नहीं, अब हम रोज खबरें भी सुन लिया करेंगे और ड्रामे भी। और अगले महीने नीचे के गांव से आती हुई दाई उससे कह रही थी, ईश्वर सलामत रखे, अब तो गिनती के दिन रह गए हैं, बच्चे के लिए गऊ भैंस खरीद लो, घर आंगन सुख से भर जाएगा। और उसे पहाड़ों की ओट से उगते सूरज की तरह पहले जो कुछ धुंधला धुंधला दिखता था, अब वो प्रत्यक्ष दिखने लगा कि वो अब फिर 7 वर्ष के बाद पराया सपना देख रहा है।